मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हमसफर बनाना चाहता हूँ। बस इस वक्त मेरे हालात ऐसे नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि जीशान शाह के होते हुए तुम्हारे वालिद मुझे कभी तरजीह नहीं देंगे, लेकिन फिर भी नवीन, मैं उनसे एक दफा बात करना चाहता हूँ। कम अज कम उनको ये बताऊं तो सही कि जीशान शाह किस तरह का आदमी है। गलत किया तूने, तुझे मैंने मना किया था ना कि तू नहीं जाएगा उसके पास। क्यों गया था उसके पास? क्यों बात की तूने उससे? मेरा उसके साथ भी ताल्लुक है और तुम्हारे साथ भी। तुम दोस्त हो मेरे, मैं ऐसे साथ नहीं छोड़ सकता। गया था उसके पास तुम्हारे बारे में समझाने के लिए। क्या समझाया तुमने उसको? उसके घर वालों की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पता नहीं क्या समझने लगी है वो। हो गई है मुझे मोहब्बत उससे कुछ, तो क्या करूं अब मैं? काम डाउन। वो लड़की मोहब्बत से हासिल नहीं होगी। तुझे कुछ करना होगा, मगर एहतियात से। कैसे कह सकता है तू ये सब? किस यकीन से? तू इस तरह से समझ कि तेरे और नवीन के दरमियान फासला नहीं बल्कि रुकावट है। क्या पहेलियां बुझवा रहा था? साफ साफ बात कर, क्या रुकावट? जितना मैं जानता हूं, नवीन और आरिफ जर्नलिस्ट के दरमियान कुछ ना कुछ मरासिम है, मगर गलत नहीं समझना इसको। किस तरह के मरासिम है ये मैं नहीं जानता, अल्लाह जानता है। और नवीन के फैसले की ताखिर की वजह वही है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके जरिए असर है। मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि मुझे उससे हासिल करना है। अब मैं जो करने जा रहा हूं ये मैं करना नहीं चाहता था। क्या करेगा तू? देख तो जा मैं हिंदी का शिकार कैसे करता हूं। मजा आ रहा है इसका शिकार करने में। निशान शाह, जो भी करना है सोच समझ कर करना। वैसे भी पार्टी के मसले मसाइल बहुत चल रहे हैं और हमारा एक केस भी उसके हाथ में है। अवामी हिमायत भी इसको हासिल है। समझ गया तू? डरा रहा है तू मुझे, डरा रहा है। मैंने जिंदगी में जो कुछ भी हासिल किया है ना, डर के नहीं डरा के हासिल किया है। सियासत के मैदान का आदमी तो नहीं हूं, लेकिन सारे दाव पेच, सारे हरबे जानता हूं। और ये बात तो बड़ी अच्छी तरह जानता है। हाँ, मैं जानता भी हूं और समझता भी हूं, लेकिन तुम कोई काम ऐसा नहीं करोगे जिससे पार्टी के लिए दुश्वारी हो। इसकी फिक्र ना कर, कोई दुश्वारी नहीं होगी पार्टी को। मैं खुद को कभी नुकसान नहीं होने देता।